हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो आल्सो। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फोर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं मैट्रिक्स के। चैप्टर फोर मेरे फुल कंप्लीट हो चुके हैं और अब डिफरेंशियल वाली बुक स्टार्ट हो गई है। तो डिफरेंशियल वाली बुक का चैप्टर फर्स्ट मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस का फर्स्ट चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोफिशेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोफिशेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशियल कोफिशेंट इन्वॉल्व होंगे वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगी। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर इसमें एक बात और लिखी है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो वैसे तो ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, आप लोग सब पढ़कर आए होंगे कि ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशंस। मतलब किसी इक्वेशंस में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और अगर किसी डिग्री में, मतलब किसी इक्वेशंस में हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जितनी होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डेरिवेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अभी एक दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन नोट किया है। इसकी हमें अगर डिग्री और ऑर्डर पूछे हमसे इस इक्वेशंस में तो क्या क्या होगी। ये एक इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। सो इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री कितनी कितनी है इस इक्वेशंस में कैसे पता चलेगा, देखिए मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशंस। इस इक्वेशंस में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर दो बार डेरिवेशन हुआ है, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स है, इट मीन्स यहाँ पर केवल एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो जो इसकी डिग्री होगी वो टू होगी। इस इक्वेशन में जो ऑर्डर होगा वो टू होगा, ऑर्डर जो होगा वो टू होगा। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री भी यहाँ पर टू होगी, क्योंकि मैंने बताया जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो इसका ऑर्डर है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होगी वो होगी डिग्री, तो इसकी पावर भी टू है, तो इसकी डिग्री होगी टू। इट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर भी टू है और डिग्री भी टू है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। एक ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन और नोट किया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टू है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है। इस क्वेश्चन में आपको डिग्री और ऑर्डर बताएं, पूछें क्या होता है, तो आप कैसे इसको बताएंगे कि इसमें डिग्री और ऑर्डर क्या क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सॉल्विंग करना ऐसे ही बताना मुश्किल हो रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम इसकी डिग्री और ऑर्डर बता पाएंगे। एक बात और ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, फॉर ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर या डिग्री तभी बता सकते हैं जब वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन से हो। तो यहाँ पर आपको रेडिकल और फ्रैक्शन दोनों दिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसको फ्री करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन से। तो इसको फ्री करने के लिए मैं अगर दोनों साइड्स स्क्वायर कर दूंगी तो ये फ्री हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं सो क्या होगा, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू का भी मैंने यहाँ पर
कर्ली ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर के डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसके बाद क्या होगा कि स्क्वायर मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस करना है, तो फ्रैक्शन से फ्री करने के लिए यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर थ्री एंड इक्वल्स टू, यहाँ तो एज इट इज चलेगा के डी टू वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया है, सो इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालना अब इजी होता है बिकॉज ये फ्री फ्रॉम रेडिकल, फ्री फॉर फ्रैक्शन हो गया है, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। तो अब आप देख सकते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो ही इसका ऑर्डर होता है, और जिसकी इतनी पावर होती है वो डिग्री होती है। तो इसका यहाँ पर ऑर्डर भी टू है और इसकी पावर टू है, इसकी पावर टू है इसलिए इसकी डिग्री भी टू है। सो मैंने यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन से इस चैप्टर की सबसे बेस वाली बात बता दी है, सबसे कॉन्सेप्ट वाली बात बता दी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम कैसे फाइंड करते हैं। सो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे ये टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड लाइक, कमेंट माई वीडियो ऑल्सो।